अजब गजब घर जमाई। ये लीजिए नानी जी, गर्मा गर्म पूड़ियाँ। अरे वाह, मजा आ गया भाई। कितने समय के बाद हम लोग एक साथ बैठ के नाश्ता करें, वाह। ये तो हमारा सौभाग्य है नानी जी। बड़े लाल, ऐसा स्वाद। मालकिन जी, स्वाद तो अलग होगा ही। आज नाश्ता कृष्णा जमाई जी ने बनाया है। क्या बात है भाई साडू भाई, क्यों इतनी मेहनत हो रही है भाई? अब तो नानी जी ने रुकने के लिए भी कह दिया है, पूरी इजाजत दे दी है। बड़े लाल जी का काम है, आप लगे हुए हो, इतनी दूर से आए हो और हैं? अरे भाई क्या चक्कर है, बड़े लाल जी को खुश कर रहे हो क्या? अरे क्या साडू भाई, आप भी लो, आप पूड़ी लो। पूड़ी है, पूड़ी है, आप भी लो, बैठो आ जाओ। कृष्णा जमाई जी, वाकई भी बहुत स्वादिष्ट है। इसमें क्या क्या मसाले डाले आपने? इसमें सारे मसाले और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट, 2 चम्मच प्यार। वैसे सारा धन्यवाद ना बड़े लाल जी को जाता है, अगर ये मेरी सहायता नहीं करते तो ये सब कैसे बनता। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि राधा दीदी बड़ी ही भागो वाली है जो उन्हें इतना अच्छा पति मिला है। अच्छे से याद आया, वो सुरेश है ना, सुरेश, वो कह रहे थे बड़ा अच्छा सा बिजनेस है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जी 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 नानी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चिंटू जी, मुझे और राधा को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जगदम्बे नानी हमें अपनाएंगी, लेकिन आपने ना संभव को संभव कर दिया। मैंने नहीं साडू भाई, ये सब तो आपके नसीब में था, सो मिल गया। अरे नहीं यार, हमारे नसीब पे तो ताले लगे हुए थे, आपने खोल दिए। अरे साडू भाई, मैं कह रहा हूँ ना, आपका मुकद्दर था, और मेरी तारीफ मत करो, मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ। अरे साडू भाई, आप इससे ज्यादा तारीफ के काबिल हो यार। पता, जब से आपसे मिला हूँ ना, कान्हा जी से यही प्रार्थना है कि आपका अगर मैं हल्का सा अंश भी ले सकूँ ना, तो बस मेरी जिंदगी तो सफल हो जाएगी। देखो मुस्कुरा लिया ना। मैं तो मुस्कुराते रहता हूँ, आप भी मुस्कुराया करो ज्यादा से ज्यादा। छोटी छोटी बात पे ऐसे चले जाते हो कहीं के कहीं, हैं? क्या सोचते हो, कहाँ के तार कहाँ फेरते हो? वो तो आपको बाद में पता चलेगा, हैं? अरे नहीं नहीं कृष्णा जी, हमारे पास पहले से इतनी सारी साड़ियां हैं, और खरीद लेंगे तो रखेंगे कहाँ पे? ओहो डॉली जी, भाई इतने प्यार से कह रहे कृष्णा जी, हैं? एक आधी साड़ी ले आओ, अब जा ही रही हो तो एक आधी अलमारी ले आना, नई साड़ियां उसमें रख लेना। क्या करोगे आप घर पे, सासू माँ भी नहीं है, पता नहीं कौन सी पूजा हो जाके चक्कर में अचानक चली जाती है, वो तो पता नहीं कौन सी पूजा आ गई अचानक। क्या करोगे आप बैठ के, बोर हो जाओगे अकेले, ले आओ एक आधी साड़ी। और वैसे भी डॉली जी, मैंने एड में देखा है कि वहां सारी डिजाइनर साड़ियां मिल रही हैं, और वो टीवी सीरियल में भी सप्लाई करते हैं। क्या बात कर रहे हैं, वो दुल्हन बनूंगी मैं तेरी में भी सप्लाई करते हैं क्या? हमें उस टाइप की साड़ी मिल जाएगी वहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। चिंटू जी, फिर तो हम तैयार होके आते चलेंगे। जी साडू भाई, आप देखो दोपहर तक आ जाना, फिर दोनों साडू भाई मिलके एकदम जश्न मनाएंगे। हाँ मना लेंगे, 2 घंटे का काम है, बाहर जाके यूं आया, कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं, है ना? हाँ जल्दी आना। बड़े लाल जी, क्या आप दूध में पानी मिला रहे हैं? अरे जमाई जी, दूध में पानी तो दूध वाला मिलाता है ना, हम तो नाना जी के लिए दूध बना रहे हैं ना। की बात, ऐसे हम सोच रहे थे बड़े लाल जी कि आप सुबह से लेकर रात तक इस घर में काम करते हैं, कभी तो अपने लिए बाहर जाके जरा घुमा फिरिया करिए। अरे जमाई जी, हम घर में इतना घूमते रहते हैं, बाहर जाने का समय नहीं मिलता। अरे आज मिलेगा ना, बात बताएं, हाँ भोजपुरी फिल्म लगा है, अरे सजना दिलाइल कंगना, हाँ मतलब फिल्म में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है उस भोजपुरी फिल्म में? हाँ? क्या क्या होता है, क्या क्या होता है? जो हीरो है ना, वो हीरोइन की गोद में सर रख के बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। हाँ? और सोचे उसमें 5 ठोक गाने भी हैं, 1, 2, 3 हाँ? 4, 5 गाने। बड़े लाल जी कहाँ खो गए? जमाई जी, आपने हमारे बारे में सोचा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे
लेकिन इस घर से बाहर वो भी ऐसे, अगर मालकिन को पता चल गया तो? अरे क्या बात कर रहे हैं, वो के बारे में भी हम सोच रहे हैं। हाँ? अब देखिए घर में सिर्फ नाना जी हैं। हाँ? और नानी जी जब तक वापस आएंगे तब तो आप ही फिल्म देख के वापस आ जाएंगे। हाँ? और अगर किसी को कोई जरूरत हुई तो मैं हूँ ना। हाँ? तो आप जाइए और अच्छे से भोजपुरी फिल्म देखिए। हाँ, 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 ये सही है। सही है ना? हाँ? तो ये लीजिए फिर टिकट पकड़िए और जाइए भोजपुरी फिल्म। हाँ, हम जाते। अच्छा सुनिए सुनिए, ये नाना जी को जाते हुए दूध देके जाइए। जाइए जाइए जल्दी। हाँ, जल्दी जाते हैं। सजना दिलवाइल कंगना। नाना जी ये क्या, आपने फिर मिठाई का डब्बा उठा लिया? अबे तू है कौन है? मालिक से बात करते हैं क्या आप? और मालिक अपना काम कर अपना। क्या कर रहे हो ये? लड्डू है? अनिल लड्डू तो मैं भी देख रहा हूँ। क्यों खाते हो इतने मिठाई बताओ मुझे? बीमार पड़ गया तो अभी पूरे घर को परेशानी हो जाएगी, लिए लिए फिरेंगे डॉक्टर के पास। आपको बच्चे हो क्या, बात नहीं समझ में आ रही? ये देखो अभी भी मंडे पे हो, घपा घप खाने में लगे हुए हो। ऐसी मिठाई खाने का फायदा क्या है जब दवाई खानी पड़े इसके बाद? बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। अरे चिंटू जी नाना जी को मिठाई खाने दीजिए, खाइए खाइए। अरे साडू भाई क्या बात कर रहे हो, पता है कितनी शुगर बढ़ी रहती है नाना जी की? हाँ हाँ मुझे पता ही नहीं शुगर है, मैंने घर की सारी मिठाइयाँ बदलवा के शुगर फ्री मिठाइयाँ रखवा दी है, कोई टेंशन नहीं है। खाओ खाओ। अबे ला दूध इधर दे, दूध के साथ मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है। कृष्णा जमाई जी जब से आप आए हैं तब से हमें कोई चिंता नहीं है किसी भी चीज की। मजा आ गया। सबसे ज्यादा मजे की बात तो यह है नाना जी कि इस टाइम हमारे घर में सिर्फ हम तीन घर जमाई हैं, बाकी सब गए। क्या बात करे साठ भाई, मतलब इस घर में तीन जमाई? नाना जी अब हुए ना असली घर जमाई है। अरे भाई जब से कृष्णा आया है ना हमें मिठाइयों की तो मौज हो गई है, मतलब इतनी दिली खुशी है हमें कि ये देखो नाना जी को खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। देख नाना जी क्या बात होगी? नाना जी क्या हुआ? दिल में दर्द हो रहा है। जल्दी आओ, इसलिए कह रहा था मना किया आप मत खाया करो मिठाई, बात नहीं समझ में आती ना आपके। लेकिन नाना जी बस 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 दो मिनट रुको। नाना जी रुकिए, ठीक हो जाए। हेलो हाँ डॉक्टर साहब, चुंटी चौटाला बोल रहा था। हाँ अरे पता नहीं वो नाना जी दूध मिठाई खाया उन्होंने, एकदम से तबियत खराब होगी उनकी। हाँ कह रहे दिल में। हाँ आओ जल्दी आओ। ठीक है जी राधे राधे। नाना जी आ गया, डॉक्टर आ गया, बस टेंशन मत लो। वो नानी जी की जाओ, नानी जी वो नाना जी की एकदम से तबियत खराब हो गई है। हाँ जल्दी आओ आप। हाँ डॉक्टर आ रहा है, आप जल्दी आओ नानी जी। ठीक है राधे राधे। आप इनकी छाती पे मसाज कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। आ रहा नानी जी, डॉक्टर आ रहा है, हिम्मत रखो। कितनी बार मना किया आपसे मिठाई मत खाया करो मत खाया करो, बात नहीं समझ में आती। इसमें तो कुछ डॉक्टर हो क्या? नहीं तो फिर साडू भाई देखो कोई उठपटांग गोली मत दे देना, पूछ नीच हो जाएगी तो फिर किसे मुंह दिखाएंगे। डॉक्टर आ रहा इंतजार करो बस। अरे मुझ पे विश्वास रखो, डॉक्टर आने तक इंतजार किया ना तो नाना जी को बहुत परेशानी हो जाएगी, आप हटिए। वैसे भी इसमें कोई दवाई नहीं। आ जाओ भैया करो क्या करना है। नानी जी सांस लीजिए सांस लीजिए। अरे साडू भाई क्या करो, टांग टूंग सब उठा दी नाना जी की। अरे सब ठीक हो जाएगा रुकिए तो। डॉक्टर आ रहा, डॉक्टर देख लेगा अपने हिसाब से, समझ नहीं रहा बात। देखो कोई ऊंच नीच हो जाएगी देखो। अरे साडू भाई कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए। नाना जी सांस लीजिए भाई, नानी जी भी नहीं है घर पे, सांस लीजिए नाना जी। अरे पन्ना जी कैसे हैं? चिंटू जी क्या हुआ नाना जी को, कैसे हैं बाबूजी? हाँ बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा वो कृष्णा जी ने टाइम पे इन्हें CPR दे दिया, दवाई लिख दी है, टाइम पे देते रहना। जी 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 ये लीजिए, मैं चलता हूँ। कृष्णा बेटा तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे नानी जी आप क्यों मुझे बार बार शर्मिंदा करती हैं धन्यवाद कह के, और वैसे भी मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब कान्हा जी की मेहर। वाह वाह बेटा, सुना तुमने,
सीखो कुछ इनसे। इतना कुछ करके लेकिन जरा भी घमंड नहीं। तो अच्छा हुआ कि कृष्णा वहां था, नहीं तो हे कुंज बिहारी। अब बेटा हमारी भी एक बात सुनो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये घर तुम्हारा ही है। नानी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अमेरिका में रहूं या यहाँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरी जिंदगी तो सफल हो जाएगी। वो तो है, वो तो रहेगा हमेशा। राधे राधे नानी जी। जीते रहो बेटा। आप लोग कुछ परेशान से दिख रहे हैं। अरे पन्ना जी की तबीयत खराब हो गई थी, वो तो अच्छा है कि कृष्णा जमाई यहाँ थे, नहीं तो कुंज बिहारी जाने क्या होता। कृष्णा जी? अरे हाँ, इनसे मिलो, ये है हमारे कृष्णा जमाई। हमारी छोटी बहन थी ना शकुंतला, जो अमेरिका चली गई थी। हाँ जी। उसके नातिन के पति हैं ये कृष्णा। और कृष्णा ये है महान जमाई मोनिका के पिताजी। कृष्णा साड़ू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे परिवार के लिए किया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लोली जी यही बात तो समझ में नहीं आ रही है। नाना जी हर रोज बेनाका दोपहर को दूध पीते हैं और हर रोज बेनाका छुप छुपा के मिठाई भी खा लेते हैं सबसे। आज अचानक ऐसा क्या हो गया भाई? अगर शुगर बड़ी होगी तो ज्यादा से ज्यादा चक्कर आ जाएंगे उन्हें। चिंटू जी हमें पता है क्या हुआ है। क्या? शक। सीरियल की बहू की तरह आपके दिमाग में भी शक का कीड़ा पैदा हो गया। आप ना बाल की खाल उतारने लग गए चिंटू जी आजकल। डॉली जी अगर बाल में खाल है ना, खाल निकाले बिना चैन नहीं लूंगा। अजब गजब घर जमा।